जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा अंबाला शहर यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम जी की और हनुमान जी की बड़ी प्यारी लीला, जिसे सुनने से हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी और हमें भगवान से हमारा प्यार भी बढ़ेगा। तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपका भगवान से प्यार निश्चय बढ़ेगा, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री राम समुद्र पार करके लंकापुरी को जाना चाहते थे और सीता माता को वापस लाना चाहते थे। तो उस समय नल और नील बाकी वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल का निर्माण कर रहे थे। नल और नील भगवान राम जी का नाम पत्थर पर लिखते थे और उसको समुद्र में फेंक देते थे, और भगवान राम की शक्ति से, भगवान श्री राम जी की कृपा से वह पत्थर समुद्र में तैरने लग जाता था। सभी वानर सेना खुश थी कि उनको प्रभु राम की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत सभी खुश थे। तो यही बात बताने के लिए हनुमान जी भगवान श्री राम जी के पास गए और उनको कहा कि हे प्रभु, समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य बड़ी जल्दी से चल रहा है और नल और नील आपके नाम को पत्थर पर लिखते हैं। हर पत्थर पर राम जी का नाम लिखा जाता है, आपका नाम लिखा जाता है, और उसको समुद्र में डाल दिया जाता है। और खुशी इस बात की कि वह पत्थर समुद्र में तैरने लग जाता है, आपके नाम के प्रभाव से पत्थर भी समुद्र में तैरने लग जाते हैं। प्रभु, ये आपकी इतनी शक्ति है, आपकी इतनी कृपा है। तो भगवान राम प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि हनुमान, अगर ऐसी ही बात है तो चले हम भी चलकर देखते हैं, आप साथ चलो। हनुमान जी प्रभु के साथ चल दिए, लक्ष्मण जी भी साथ थे, सुग्रीव भी साथ थे, जामवंत जी भी साथ थे। तो सभी समुद्र पे जहाँ पर पुल बना रहे थे, सभी वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी, वहाँ जाकर देखते हैं कि सच बात है कि भगवान राम जी का नाम पत्थर पर लिखते हैं सभी और उसको समुद्र में गेरते हैं और वह पत्थर समुद्र में तैरने लग जाता है। तो भगवान राम यह देखकर हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा कि हनुमान, कुछ मैं भी करके देखूं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जो आप चाहो। तो भगवान राम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसको अपने हाथों से समुंदर में फेंक दिया, और हैरानी की बात यह थी कि वह पत्थर समुंदर में डूब गया। तो इसे देखकर भगवान श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, यह क्या हुआ? मैंने पत्थर समुंदर में फेंका और वो डूब गया, लेकिन आप सब मेरा नाम पत्थर पर लिखते हो, राम नाम पत्थर पर लिखते हो, और वो पत्थर समुंदर में तैरने लग जाता है, लेकिन मेरे द्वारा फेंका गया पत्थर डूब कैसे गया? बड़ी हैरानी की बात है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सबको क्यों माया में बहका रहे हो? आप सब जानते हो भी अनजान क्यों बन रहे हो? प्रभु, जिसको आप अपने हाथों से संसार सागर में फेंक दोगे वो तो डूबेगा ही। हे प्रभु, आपने पत्थर को अपने हाथों समुद्र में फेंका है तो वो तो डूबना ही था। जिसको आपने संसार सागर में फेंक दिया वो कभी पार लग ही नहीं सकता, उसको तो डूबना ही था। तो सभी हनुमान जी की इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। आसपास वानर सेना भगवान श्री राम जी की बात से भी प्रसन्न थे और हनुमान जी द्वारा दिए गए इतने प्यारे से उत्तर से भी सभी प्रसन्न थे। तो सभी आनंद में हो उठे। तो यह कथा सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। भगवान की ऐसी कथाएं अगर हमें सुनने को मिलें, ऐसी कथा, ऐसा सत्संग सुनने को मिले, तो निश्चय ही हमारा मन भगवान में लगता है, हमारे मन में भगवान के प्रति प्यार जागता है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि भगवान की ऐसी कथाएं सुनने को मिलें जिससे कि भगवान से प्यार हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।